नमस्कार, मैं हूँ श्रुति उपाध्याय और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के अलावा जेडी वेंस की कई और पहचान है। वो ओहायो से सीनेटर हैं। जेडी वेंस लेखक, निवेशक और डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक भी रह चुके हैं। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जेडी वेंस की पत्नी का संबंध भारत से है। जेडी वेंस ने भारतीय मूल की उषा चिलुकुरी से साल 2014 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात साल 2013 में येल यूनिवर्सिटी में हुई थी। उषा और जेडी के तीन बच्चे हैं, इवान, विवेक और मिराबल। उषा का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ। उनके माता पिता एनआरआई हैं। वह सैन डियागो के उपनगरीय इलाकों में पली बड़ी हैं। उषा ने येल यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ाई की, जहां 2013 में उनकी मुलाकात जेडी वेंस से हुई। उषा और जेडी ने श्वेत अमेरिका में सामाजिक गिरावट विषय पर चर्चा सामूहिक आयोजित करने के लिए मिलकर काम किया। इस दौरान दोनों की करीबी बढ़ी। जेडी वेंस इस विषय से दृढ़ता से जुड़े थे, क्योंकि वे ओहायो में आर्थिक तंगी से बड़े हुए हैं। उषा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की क्लर्क के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। वे इन दिनों वकालत कर रही हैं। जेडी वेंस कई बार अपनी पत्नी उषा की तारीफ करते रहे हैं और वो उन्हें अपनी आध्यात्मिक गुरु बताते हैं। उषा और जेडी वेंस की शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई थी। उषा के माता पिता भी हिंदू हैं, जिसका जेडी वेंस के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। एक इंटरव्यू में खुद वेंस ने बताया कि उषा से शादी के बाद उनके जीवन में कई बदलाव आए। उनकी हिंदू पत्नी ने ही उन्हें धर्म और आस्था में विश्वास करना सिखाया। जेडी वेंस ने कहा है कि उन्हें 2018 में पहली बार बपतिस्मा दिया गया और उषा ने उसमें बहुत सहयोग किया। उषा एक तरह से उनकी गुरु बन गई। इसका ही नतीजा था कि वेंस की नास्तिकता हटने लगी और वे थोड़े धार्मिक होने लगे। जेडी वेंस का भारत कनेक्शन उन्हें चुनाव में भी फायदा दिला सकता है। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय और हिंदू वोटर्स हैं। वे वेंस के पक्ष में वोट कर सकते हैं। अगर जेडी वेंस जीतते हैं तो वे अमेरिका में प्रभावी भारतीयों की हालत बेहतर कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसा पहली बार होगा कि किसी उपराष्ट्रपति की पत्नी हिंदू है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।